I think we're live. Hi, how are you? Hello, I'm good. I'm good. I Yep. still think we are not live. I think we are. I'm almost certain we are. I've Because, got the video. Yes, we are. We are. yeah, I got Hey, you. Vani. Hello, Chalchitra family. How are you? Welcome back. Why were you like, should I? I mean, I told you I would be asking this. Like, could you tell us, I like, knew thoda sa, something like like, this would happen. why were you like avoiding us for the past 1 month or so? I think avoiding is not the Was just right kidding. word, but I was yeah, just kidding. I was just I kidding. know you're cutting, but हाँ, बाकी लोग बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर रहे थे कि व्हाट हैपेंड, व्हाई यू नॉट कमिंग. तो वंस एंड फॉर ऑल बता ही देते हैं सबको कि इट्स लाइक आई हैड सम पॉलिटिकल इश्यूज एंड सम पर्सनल इश्यूज, तो वो सब पॉलिटिकल क्लियर करके इश्यूज, मेरी जिंदगी की पॉलिटिक्स जो चल रही है, लाइक द फाइट ऑफ तैयब विद तैयब वाला सीन चल रहा था. तो हाँ, एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स फाइन. एवरीबडी एज एट होम इज ऑल्सो फाइन. आई होप वानी इज डूइंग फाइन एंड ऑल द चलचित्र मेंबर्स आर डूइंग फाइन ऑल्सो. वही, आई कम्प्लीट माई मास्टर्स एंड आई हैड टू गो बैक टू जमशेदपुर जस्ट फॉर अ वीक, सो दैट ऑल्सो टुक सम टाइम. तो हाँ, ऑल इन ऑल आई एम नाउ फुल फ्री, डन एंड बैक विद साइंस. और कुछ बात करते हैं, कुछ मजे करते हैं. भाई लोग कैसे इट्स अ हो? लवली डे टू मेक अ कम बैक. नो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द बुक. श्योरली यू आर जोकिंग, मिस्टर फाइनमैन. Yay! Dude, आई एम स्टिल नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम. आई एम सो सॉरी. how are your books like so well maintained? Because when I do read something for a month, तो थोड़ी like आई डोंट नो. आई ट्राई टू कीप देम लाइक ऐसे स्टिफ. you try to keep them this way. इट माइट ऑल्सो भी लाइक मैं इतना ऐसे हार्ड कोर नहीं पढ़ा मैंने फेनमैन. आई काइंड ऑफ चीटेड अ लिटिल बिकॉज बीच में इट वॉज जस्ट लाइक आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट एंड बीच देन आई रियलाइज कि इफ यू डोंट नीड टू नो द प्रीवियस स्टोरी फॉर द नेक्स्ट स्टोरी सो यू कैन रीड द स्टोरीज बीच बीच में से. सो आई स्टार्ट पिकिंग अप स्टोरीज फ्रॉम हियर एंड देयर एंड दे वर एक्चुअली गुड. आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ चीटेड. मतलब मैंने मैंने पहले देखा कि सबसे बड़ी वाली स्टोरीज कौन सी हैं, इट डजेंट लुक उनको मैंने रख लाइक इट दिया. डजेंट लुक नाइस व्हेन यू से कि आई आल्सो सॉर्ट ऑफ चीटेड. व्हाट इज दिस बिहेवियर इट्स लाइक देयर वाज सो मच हैपनिंग इन द पास्ट मंथ और ये वाला मंथ. तो आई विल डेफिनेटली कंप्लीट इट, और हम आगे भी जब स्ट्रीम्स पे आएंगे तो डेफिनेटली और आगे बात करेंगे. बट हाँ, आई हैव फाउंड अ टेस्ट ऑफ दिस बुक और काफी आई थिंक या आई लाइक्ड इट. एंड आई नो देर आर सर्टन, लेट्स से कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मे बी सम पीपल वर नॉट फुली इंटू इट, या एंड टू एंड नहीं पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं है. सो जैसे वानी ने बताया, देर इज अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन एक्चुअली कोई भी चैप्टर उठा के आप कहीं से भी पढ़ सकते हो. बिकॉज इट्स लाइक अ पा आई वोंट से इट्स लाइक अ डे इन हिज लाइफ, बट हाँ, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन विच ही थॉट ही लर्न समथिंग, तो ही इज पासिंग ऑन वो वाली इन्फॉर्मेशन. लाइक कुछ सिली सा होता है उसकी जिंदगी के अंदर एंड ही अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द यूनिवर्स, तो बड़ी बेहतरीन चीज है. या आई थिंक वानी को लग रहा है कि हम सेम बुक की बात कर रहे No. हैं. I'm just seeing like, can you hear something in my background or is it like, can you not like, आई is कैन नॉट हेयर एनीथिंग okay. एल्स. I was just confirming because मेरे back end, I don't know, there is some, I live in a village here, so like there is someone, something that's howling. But anyway, guys, those who are joining us, do like the stream. That's just how the YouTube algorithm works. I explained it to like the people who were watching us this morning. So do like the streams. The more you like the streams, the more the video gets recommended. And this was a great advice that Neville gave us. But yeah, so please follow it to the T. And Yes. yeah. So Tayyab, what have you been up to? I know we'll talk about the book as well, but what have you been up to in general? What are you watching? What are you So, reading? What are you listening to? What are I your am favorite podcasts? I think मैंने स्ट्रीम पहले ही बोला है, आई एम ऑलमोस्ट एवरी टाइम रीडिंग मल्टीपल बुक्स एट वंस. तो ये तो मेरा चल ही रहा था. तो अभी फ्रैंकनस्टाइन थोड़ा चल रहा है ओके और एंड आर यू यही चल रहा एंजॉयिंग है. इट? आई एम इंजॉइंग इट. मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं एक बुक से पक जाता हूँ तो मैं दूसरी की तरफ भागने की कोशिश करता हूँ. तो आई डू डेफिनेटली इंजॉय दैट बुक. फिर इससे पक जाता हूँ तो फिर इधर भागता हूँ मैं. तो हाँ, आई कीप जम्बलिंग. नाइस. ये चल रहा है रीडिंग के अंदर. तो हाउ आर यू लाइकिंग एंड फ्रैंकनस्टाइन दो लाइक बिकॉज वो भी थोड़ा सा साईफाई जोन में है.
एंड हाँ, इट्स एक्चुअली अ इनफैक्ट थ्योरी. द थर्ड बुक जो मैंने बताया वो तो है ही पूरी तरीके से, इट्स लाइक साइंस. यू नो आई गॉट दिस कॉपी फॉर माई सेल्फ ऑफ कॉस्मोस विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. वेबर वॉज हियर, ही टुक इट फ्रॉम, लाइक हमारी गलती से बुक्स एक्सचेंज हो गई मेरे पास उसकी. ही हैड बॉट दिस बुक कॉल्ड द गर्ल हु एट द मून और समथिंग, दैट वॉज द नेम ऑफ द बुक. इट्स अ न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर. एंड मेरे पास वो आ गई, उसके पास कॉस्मोस चले गई. देन ही केम बैक अगेन अभी बिकॉज ही वॉज हेडिंग टू शिमला. ही स्टॉप्ड फॉर अ डे यहाँ पे. आई गेव हिम हिज बुक बैक एंड वो कॉस्मोस फिर से अपने साथ वापस जयपुर ले गया. एंड आई एम लाइक व्हाई वुड यू डू दैट, गिव मी माय कॉस्मोस बैक. बट या ओ भाई कोई बात नहीं, वन मोर ट्रिप टू चंडीगढ़ आई थिंक इट्स ड्यू नाउ. तो अगर वैभव भाई या देख रहे हैं तो प्लीज उसकी वाणी की बुक उसको वापस करें सही सलामत. यस. और टॉकिंग अबाउट वॉचिंग, व्हाट आर यू वॉचिंग दीज डेज? Oh, I saw a really cool movie today. It's called A Short Term 12. I know we're supposed to discuss the book, Dude, but that is a it's good called. movie. You've seen it? Oh God, Ah. it's amazing. It's really nice movie. I love the background score, which is by this guy called. I couldn't find him on Instagram. I know I searched for him a bit. I Okay, there have is the a. director's name, Destin Cretton, Daniel Cretton. आई लाइक मैं शाम से उसी के लाइक ट्रैक्स सुन रही हूँ. सो लाइक आई हैव बीन रियली रियली. हिज नेम इज ओके आई कांट फाइंड इट. इट्स बाय दिस गाय कॉल्ड जो जोएल पी वेस्ट एंड इट्स रियली नाइस. द म्यूजिक इज And the रियली movie is गुड. nice too. अगर आप मतलब डेफिनेटली आपने तो भी फ्रेश देखी है तो मे बी आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे. I really liked it. I really liked Brie Larson, and I liked her even more after this movie. I don't know, like with me, it happens every time I'm watching a movie and I like a character. My first question to the person sitting next to me is, "This person is going to die, right?" And throughout the movie, I like something good would happen, and I would just turn to her, "Ab ye maregi na, please." ओहो But yeah. ये गेम ऑफ थ्रोन्स ने ऐसा बना दिया है या इस लाइक I don't know, इस it बुक्स usually वगैरह आप happens ऐसे ही to पढ़ me रहे हैं आजकल? because I don't know, I think like when you like there was a phase when every good character was dying everywhere. I think Grey's Anatomy left a big scar on me. Every good character dies there. You get attached बहुत to a character and that character gets killed for some reason. But yeah. Hey, so what, like how many stories have you read from Fame and like do you have a favorite story so I far? think the a good part in the index is मैंने कुछ टाइम पढ़ने के बाद ध्यान दिया because I usually do not go through the index but there are like parts part 1, 2, 3, 4 Yeah. तो I can say that I'm on the part mixing colors का था. I'm on the part 2 and then I've read some short stories from the other parts but हाँ I think I'm 50% in the book. And which one is like your favorite story so far? I think the beginning was really good क्योंकि वो लाइक I वो जो remember we did the बच्चे वाला Discord फेनमेन था ना stream. उसका अलग मजा था. हाँ? हाँ वो जो जो बचपन वाला उसने अपना फेनमेन का जो बताया कि हाउ वी गॉट या इन टू थिंग्स वो वाला वो काफी बढ़िया था. आई रिमेम्बर वी डिड द डिस्कॉर्ड स्ट्रीम एज वेल वेयर आई रीड अ चैप्टर. आई काइंड ऑफ गॉट लॉस्ट टू द चैप्टर बट देन यू ऑल्सो डिड अ चैप्टर रीडिंग. इट वॉज रियली दैट वॉज रियली माई गुड. फर्स्ट रीडिंग, वो मुझे काफी मजा आया था. बट या हाँ देवो सो नाइस, अच्छे अच्छे लोग आए थे और उन्होंने कितना कुछ डिस्कस किया था. आई एम रियली सॉरी मेरे को आपके नाम याद नहीं है बट इफ यू वर देयर तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए. और आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल, 48 पीपल वॉचिंग अस. तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड शेयर द स्ट्रीम, दिस हेल्प्स द चैनल अलॉट. Do you recommend it? Like everyone I asked about Fame Man, actually I wouldn't die, but a lot of people told me like this book wasn't great, and I was like a little like okay, and then I realized ki Oh. maybe that like everyone, only people who are dedicatedly like who, it's a very it kind of takes you time to get used to reading stuff like this, and if you're not someone who's not interested in science, you wouldn't like the book. And then again, you can like if you pick up areas from between like
मैंने ऐसे पढ़ा, लाइक आई रेड अ चैप्टर एंड देन आई जंप टू अनदर चैप्टर, देन आई जंप टू अनदर चैप्टर. आई हैवन फिनिश्ड ऑल द चैप्टर्स बिकॉज आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड आफ्टर अ टाइम, बट देन आई शफल बिटवीन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, आई डिडंट गो कवर टू कवर, एंड दैट काइंड ऑफ रियली हेल्प्ड. एंड देन आई स्टार्टेड इंजॉइंग द राइटिंग एज वेल, एंड आई केम टू लाइक द स्टोरी टेलर फेमैनिज, एंड बट या ही आई फिक्सेस थिंक रेडियोज बाई थिंकिंग पीपल आर वन कमेंट. हाँ Yeah, दैट इज but वन ऑफ द that was a मोस्ट फेमस very लाइन्स. nice. That I really liked that chapter. दैट वाज अमेजिंग. और मैं बोल रहा था कि इट्स लाइक ऑटोबायोग्राफी जो बुक्स होती हैं, इट्स लाइक यू फर्स्ट हैव टू लाइक दैट पर्सन, या कुछ तो आपका कनेक्शन उससे होना चाहिए सो दैट यू वांट टू रीड हिज लाइफ Yeah. स्टोरी. अब आप किसी को भी रैंडमली उठा करके बुक दे दोगे एंड यू फील लाइक दैट ही इज इनटू साइंस सो ही माइट एंजॉय इट, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन. क्योंकि वही है ना कि द बुक इज ओनली इंटरेस्टिंग एज द पर्सन. तो वो इफ यू फाइंड हिम इंटरेस्टिंग तो यू विल फाइंड द बुक इंटरेस्टिंग ऑल्सो. एंड अगेन द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक इज दैट यू डू नॉट हैव टू फॉलो द बुक फ्रॉम वन पेज टू द अदर पेज. यू कैन जस्ट ओपन अप एनी चैप्टर एंड देन एंजॉय अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ. तो वो काफी बढ़िया था. एंड एज आई वाज सेइंग इन द इनिशियल चैप्टर्स जो है, जब वो थोड़ा बहुत अपना क्या बोलेंगे उसको, मतलब वो खुद से जो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, ही इज सॉर्ट ऑफ फेलिंग एंड देन लर्निंग एंड देन ट्राइंग अगेन विद अ बेटर टूल सेट. और वो देखने में अंदर बहुत मजा आ रहा था. इट्स लाइक अ मैकेनिक ट्राइंग टू फिक्स अ कार जिसने वो कभी देखी नहीं है. तो ही हैज सम नॉलेज, तो ही इज ट्राइंग टू अप्लाई दैट नॉलेज, बट उसको अननोन में अलग मजा आ रहा है कि व्हेन आई ओपन दिस थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज इनसाइड दिस थिंग. तो वो उसके साथ जो उसकी जर्नी चल रही थी, जो वो साथ ही साथ एक्सप्लेन करता जा रहा है, एंड ही इज यू नो वो जो वो वाला खेल चल रहा था उसमें कि ही इज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिकॉज ही नोज दैट द प्रॉब्लम वुड बी इन द रूट ओनली. कुछ ना कुछ तो ऐसा पंगा होगा विच वुड बी लाइक अ स्विच इज नॉट देयर और अ वायर इज नॉट कनेक्टेड और समथिंग समथिंग वेरी सिंपल इज नॉट वर्किंग करेक्टली, दैट इज वाई द होल सिस्टम इज फॉलिंग डाउन. वो वाली जो थिंकिंग थी वो काफी बढ़िया थी, दैट ही इज नॉट इंटिमिडेटेड बाई थिंग्स जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है. ही इज प्रॉबेबली एट एन एज जब उसको ठीक से, ही इज डेफिनेटली नॉट एन इंजीनियर जब वो रेडियो फिक्स कर रहा है, ही इज जस्ट अ किड, बट स्टिल ही ट्राइज टू ओपन थिंग्स अप. ही ट्राइज टू यू नो ट्रायल एंड एरर वाली चीज है. ही माइट हैव यू नो नॉट फिक्स्ड या फिर वुड हैव ब्रोकन मोर सम ऑफ द रेडियोज, बट वो जो पूरा जो प्रोसेस है जो सीखने में उसको टाइम लगता है एंड यू आर स्पेक्टेटिंग दैट, काफी बेहतरीन, काफी मजा आया. और आई थिंक ये थीम फॉलो होती है आगे तक भी. तो ही इज सॉर्ट ऑफ, ही इज नॉट ऑलवेज लाइक मैंने ये पता किया ये पता किया. ही इज मोर मोस्टली लाइक कि मैंने ऐसे ट्राई किया जस्ट टू नो कि क्या होता है. वो काफी बढ़िया था. तो या Nice. There was a आई होप really व्हेन आई nice फिनिश द बुक कुछ comment. और मजा आएगा, तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट टू. There was this comment with Sudeshna, and she said कि I liked the book so much because I couldn't believe a Nobel Prize winner physicist was such a fun and cool person. Some of the instances are hilarious. It's kind of a nice way, like Big Bang Theory के बाद you think like everyone is going to be like that, and then this book was like, hey, people can be normal as well. Sorry, but yeah, this is nice. Have you also read other works by Feynman, like his research or lectures or I anything? have मतलब there is a famous lost lectures of Feynman. और जैसे हमारे यहाँ पे सिंपल भाषा में वो बोले तो अपने यहाँ पे RD शर्मा और HC वर्मा, इट्स लाइक द होली ग्रेल ऑफ 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स मैथमेटिक्स वाला सीन है. तो वैसे ही बाहर जो फाइनमैन के लेक्चर्स हैं, देर आर लाइक कंसोलिडेटेड बुक्स विद वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ उसके खुद के लेक्चर्स. तो वो काफी फेमस है एंड पीपल यू नो सॉर्ट ऑफ कलेक्ट दोज ऑल्सो, और जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं. तो इफ 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 यू आर वेरी मच इन टू फेनमैन और आपने कंप्लीट कर लिया एंड यू वॉन्ट मोर ऑफ इट, तो आप डेफिनेटली वो लेक्चर्स जाके देख सकते हो. दोज विल बी मच मोर साइंटिफिक रादर देन फनी, लेकिन वो भी मतलब इफ यू आर ऑन द जर्नी ऑफ बींग एन साइंटिस्ट ऑफ इट, बिल्कुल कूद पड़ो. Arpit has commented, I think a huge part of what makes this book fun is when following his works around the internet. Like I saw Feynman's lectures online while reading this and his interviews. Nice. Okay, Chinmay has given a random fact. In short history, Bryson mentions how Feynman wanted to name Quarks Parton after vaccine legend Dolly Parton.
but was declined by the scientific community. Nice. Okay, great. So do you have any recommendations? Are there any other lecture series also that you watch apart from like essay? Like, are there any lecture series that you regularly watch? Apart from Feynman, if you are. Yeah, in general, like there are there. Do you have any favorite lecture series or place to go to study all these things? Because I know you're not a physicist. There's one person called Julius Sumner. William Julius Sumner, somebody. काफी मतलब आप YouTube पर डालोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड हिम. ही इज लाइक वेरी ओल्ड और अजीबोगरीब बाल हो रखे हैं, बट द वे ही एक्सप्लेन्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बेहतरीन बेहतरीन. मतलब यू विल डेफिनेटली फर्स्ट जो आपके मुंह से आवाज निकलेगी वो यही है कि काश 11 12th में मैंने ये वीडियोस देखे होते, इट वुड हैव बीन एटलीस्ट फन. है तो वही चीज बट हाँ थोड़ा फन हो जाता. तो ही इज वन ऑफ दोस. और There's also a video, no, just mein, like a physics professor is actually teaching his class. I don't know, it did some rounds like social network a few months ago where he's just throwing the ball and it doesn't touch any student and then he says it's because of physics. And that was a very practical way to teach people of, to teach all of some, I don't know. But like he did. And he is, I think, kuch world famous personality hai wo, mein kuch dam yaad na, naam yaad nahi aa raha. He's probably at some MIT or Stanford ke andar. I'll share his name. अभी stream के अंदर I'll find him. Yeah. वो what about you? आपने क्या lectures वगैरह कुछ कभी कुछ random non scientific भी चले? Physics no. Okay. Otherwise, there's this Yale series, Yale lecture series that I've recently started. Okay, I can't find it. It's about it's a course that's available on YouTube for free, and it's really nice. I'm just trying to find where did I save it. Okay. Okay, I think logon ne bata diya hai comment section mein that the professor that Vani was talking about is Walter Levin, and mera tukka sahi nikla, wo MIT ka hi professor tha. Yeah. I don't know. There were a couple of, I had started with, like, there are a lot of Yale courses that are available online in Stanford ke bhi, so I kind of keep on watching them. But like, yahan wahan se, some on psychology, some on philosophy, some on English. But there was this course that I had started watching, jiska mujhe naam yaad nahi aa raha. It's about living in today's world, like not just actively living in today's world. And I did not know now, like, I did not know that, you know, a course like this is actually a must. Like, I can't remember the exact name of the course, but I did not realize that a course like this is a must for, I don't know, it worked for me really well. And I can't find it right now. I haven't completed it, but I started watching it and it's really nice about being present in the moment and actively living your life. I mean, like when I read it, I was like, oh, it's also a course. I think the only reason why I took it was because, hey, like, why would Yale publish it? And then when I started watching it, I was like, oh, this makes sense. This is something that should actually be taught in schools. Okay. Yeah. Okay. Arpit has commented, like, if you can find it, there's this story of Feynman where he was invited to a guest lecture. And he said he'll only sign 7 times. It's absolutely hilarious. Nice. Okay. I'll definitely watch this thing. Coffee interesting lag raha hai. Yeah. Some people are talking about MIT open courseware. Bilkul bhai, behtareen cheez hai. Matlab, insaniyat ke liye bahut badi cheez hai. It's kind of, there are some things that are available on YouTube for free. And I really do not understand how. And it's one of the best things that you'll ever come across. Like, whatever you want to learn, the courses mostly like are available online and by good professors. Lectures by are the nice best professors and, actually. Yes. And sometimes I just find myself wondering, like, this is out here for free. And people do not take advantage of that. And I surely can't remember. I want to recommend it right now, but I just can't remember it. Oh, it's called The Course, The Science of Well-Being with Laurie Santos. And it has about,
It has 12 lectures, I think, and they're very short. I think there are 12 videos in this, and they're very short. Most of them are like 5 at max. Okay, there are 2 to 3 that are like 29, 30 minutes long, and baki ki 9 videos are like hardly 10 minutes long. Some of them are 4 minutes also. And it's really, really nice. She talks about, does money really make us happier? Like, she talks about the essence when we usually think like, hey, if I get more money, maybe I'll be happier in life. And she talks about this. If I find the one true love of my life, I'll be happier. And she's like, does this really make us happy? Does a good job really, really make us happy? Is it that important? And she talks about gratitude. She talks about enjoying what we have right now, savoring the food, savoring your life. And it's really nice because it's a way of living. And even though like a lot of people tell us, the more you grow older, you learn how to navigate. You kind of realize like if there was a how-to guide on living, maybe a few things would just be easier. And this is one of those courses. And I really, It's really would really recommend nice. it to आई थिंक like ये you. मैं डेफिनेटली फॉलो करूंगा. अभी आप जब इस It's बारे में बता called the रहे हो तो मैं science of well-being. ये द साइंस ऑफ वेलबींग ओके आई Yep. And it's थिंक आई like, फाउंड इट. yeah. इट्स ऑन कोर्सेरा ओके हाँ It's also on Coursera. It's also on YouTube. इट्स ऑल्सो ऑन यूट्यूब या Yep. And I really like it. आई थिंक अभी आप इस I चीज के बारे में बता also, रहे थे. yeah, I'm so sorry. इज देर अ लैग? नहीं आई डोंट आई I don't think there is a lag. थिंक Yeah. चल रहा है, सही चल रहा है. हाँ आई लेट मी कंप्लीट फिर उसके बाद में यू Yeah, कैन yeah, yeah, yeah. कंटिन्यू. अभी जब इस बारे में आप बता रहे थे तो दीज थिंग्स यू नो फील लाइक आई एटलीस्ट पर्सनली मुझे लगता है कि ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है. ये तो हम सबको बताया गया ही है, मतलब कहीं ना हाँ कहीं पे कि हाँ बेटा पैसा सबने जरूरी नहीं है. दिस वन पर्सन यू यूर डेडिकेटिंग योर होल लाइफ टू, ये भी शायद सही नहीं है. यू शुड लव फर्स्ट हाँ योर सेल्फ एंड ऑल. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम दुनिया के चक्करों में आकर के या खुद को उल्टा सीधा समझा देते हैं और हमको पता है सही रास्ता क्या है लेकिन हम गलत कर देते हैं. तो आई थिंक ये चीजें इवन दो दे आर वेरी बेसिक, ये रिपीटेटिवली अगर हमको पता चलती रहे और एक या अच्छा मोड है, मतलब समबडी इज देयर एंड टॉकिंग टू यू और ऐसा लगता है कि हाँ दे आर एक्सप्लेनिंग थिंग, तो शायद आप दोबारा से सही रास्ते पे आ जाओ. मतलब सही रास्ते मतलब यू यू एटलीस्ट फील पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, वो तो जरूरी है. आई थिंक आई विल डेफिनेटली वॉच Vaibhav दिस. had written a blog on it, not on this particular thing, but he had written a blog about the moon. And he said at the end of it, like, more, we should call up our friends and remind them again and again to like go and look at the moon or something. Like, we should do this every day. And that kind of blog like made me go out and watch the moon. And I've always known, like, hey, mujhe shanti milti hai, like looking at the night sky. But I haven't stopped doing it, I've stopped doing this now. And it's just like sometimes you need gentle reminders. Hey, kindness is good. It makes you feel happy. Kindness reminds you that you're a nice person and you get to have a good night's sleep. So just be kind. Yeah. There are like these subtle reminders that you need time and it, like again. Because you kind of forget them. The good thing about school was I'm not someone who's very religious. But like when I was growing, I would say ki I really was teacher's pet, so I tried to do everything to the T. And so whenever we used to pray in school, like they were, because it was a convent and there were people from different religions, they always tried to make the prayers in a way where you could connect to whatever being you pray to. And that was one really nice thing because you don't have to imagine like you're praying to a higher power. It could just be to yourself as well. And sometimes those things would be so nice. And because you'd read them out every day, you would have that calmness in a way that was very organized. And sometimes over the years, we forget all the things that we are taught. And we just need gentle reminders. And I think isliye affirmations wala business is growing so strong. Where people just charge you and they give you like, main batata hoon, like how to live life. And all they do is like, वही healthy वही वही affirmations. आई थिंक अभी रिलीजन वाली बात से मुझे भी एक चीज़ याद आई कि जब मैं अभी थोड़ा छोटा बेवकूफ़ सा बच्चा था तो आई वॉज वंस हैविंग दिस आर्ग्यूमेंट विद माई मौलवी साहब. तो मौलवी साहब यूज़ टू कम टू माई हाउस एंड टीच मी अरेबिक और उर्दू. तो वो एक पर्सनल मेरी क्लासेस चलती थी वहाँ पर. तो आफ्टर दैट मतलब वॉट आई यूज टू गो टू दैट क्लास वॉज कि जब ये पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद में आई हैव अ 10 मिनट डिस्कशन विद हिम. आई विल बी लाइक साइंस 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 एंड ही विल बी लाइक रिलीजन रिलीजन रिलीजन.
तो बड़ा मजा आता था, बच्चा ही था मैं उस टाइम पे. तो एट वन पॉइंट आई वॉज आर्ग्यूइंग विद हिम कि वाई आर वी डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, द सेम पार्ट, द सेम एक्सरसाइज, वाई इज दिस हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, लाइक मल्टीपल टाइम्स अ डे एंड फॉर द होल वीक एंड देर आर नो नो संडेज एंड ऑल वो सब. तो वॉट ही सेड, जो मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आया था क्या होता, बाद में मुझे समझ आया, ही सेड के ईमान की चादर पे मैल जम जाता है तो उसको बार बार धोना पड़ता है. तो आई डेंट नो वट डिड ही मीन. मैं उस टाइम पे सोचता था क्या मौलवी साहब मजे ले रहे हो आप, लेकिन अब बाद में समझ में आया दैट वॉट एवर यू आर, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो धीरे धीरे धूल जम जाएगी, यू विल स्टार्ट टू फाइट विद इन योर सेल्फ. तो वो यू हैव टू गो बैक एंड यू नो क्लीन दोज गेयर एंड ग्रीस थिंग्स अप एंड देन मोटिवेट योर सेल्फ अप, और अंदर से आवाज वापस से जगानी पड़ती है, एंड दैट यू हैव टू डू एवरी टाइम. अभी कितने भी मोटिवेटेड हो, कितना भी जिंदगी अच्छी चल रही है, एक बार डिप आएगा वापस उठाना पड़ेगा कुछ. तो हाँ, ईमान की चादर पे जो मैल जम जाता है उसको धोना ही पड़ता है बार बार. सो गुड. दिस इज लाइक ओके. आकाश जस्ट कमेंटेड 20 मोर लाइक्स टू 100. प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम गाइस. यस, लाइक द मोर यू लाइक द स्ट्रीम द मोर इट गेट्स रिकमेंडेड. दैट्स हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स. आई एम सो सॉरी आई ब्रिंग दिस अप एवरी टाइम, बट प्लीज लाइक द स्ट्रीम. एंड या आई वॉज listening to something yesterday, and over the past few months whatever books we've picked up, I've picked up or I've found, I have been reading are non-fictions. I was never the kind of person who went for non-fiction, but like over the past few months I've tried to increase the frequency, so I find myself reading bahut kam fiction. I picked up Harry Potter recently, and I was listening to this podcast yesterday and I realized, I don't know why, I was just like, okay, wait, I was listening to Nilesh Mishra and Amit Verma's podcast, like they've done this podcast together on the seen and the unseen. And Nilesh Mishra says, you know, like stories are very important because they actually teach you a lot of things which you wouldn't otherwise really know of. And that's when I realized, like, people who look down on fiction don't realize why you need to read stories, because they show you a world which you wouldn't be able to experience unless and until you live through it, because you don't have a face to imagine. You can imagine a face you want to, and 9 out of 10 times you imagine the face we like, and therefore it's so easy to relate to it, and therefore you kind of just develop empathy over time. And I absolutely don't know how we reached from fame into here, but I think, but 72 people are watching, so we are definitely doing whatever what we're doing. सब बढ़िया चल रहा है. बट या दिस इज समथिंग दैट जस्ट हिट मी, लाइक आई प्रोबेबली लाइक आई माय ईक्यू इज वेरी लो, बट लाइक बिकॉज आई हैव रेड सो मच फिक्शन ओवर द इयर्स, लाइक काइंड ऑफ माय एम्पैथी इज लाइक अ लिटिल पॉलिश्ड देयर. बट इट्स जस्ट, एंड देयरफॉर लाइक व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट फेम एंड दिस मॉर्निंग टू यू, आई थिंक दैट ये करना है, लाइक वुड यू लाइक टू जॉइन इन एवरीथिंग. आई ऑल्सो लाइक रियलाइज द बैक ऑफ माई हेड, लाइक इवन दो द ओनली रीजन वाई आई पिक्ड अप फेम एंड इवन दो आई डिड नॉट रियली लाइक इट इनिशियली वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस न्यू पर्सपेक्टिव आउट. एंड इट जस्ट इज सच अ गुड इंट्रोडक्शन फॉर पीपल हु हैव नॉट एंजॉयड साइंस इन स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी ब्रेव ऑफ यू. रियलाइज आई नो इट्स वेरी ब्रेव ऑफ मी. एंड नॉट ओनली लाइक आपने खुद पढ़ने के तो एक डिसीजन लिया ही था, यू यू काइंड ऑफ लाइक अपनी 50,000 लोगों की जो जनता है, यू सॉर्ट ऑफ मोटिवेटेड देम टू दैट लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो एज अ साइंस लवर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वानी कि आपने और लोगों को हमारे खेमे में जोड़ने की कोशिश करी, बहुत बहुत धन्यवाद. और अभी 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 जैसे इट्स लाइक यू हैव सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर साइंस बुक्स. आई थिंक देर इज सम कॉलिंग, मे बी यूल read some more books in the future. अब वो नहीं रहेगा कि it's like मुझे ये चीजें नहीं, इन चीजों दूर रखनी. जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर if somebody comes and he's like मैं तो बस fiction ही पढ़ता हूँ, that this is what books are meant for and why are you reading real life stories, तो वो आप एक बार एक book उठा के देखिए. और I think Feynman is a good start if you are into that, because not too scientific but it's also very scientific in a way अगर आप देखो तो. तो kudos to that. Thank you. Think like it always depends on person to person what, you know, people are enjoying actually or what people will actually like. But I just think like stories in general have helped so much
like when it comes to empathy. Reading stories in general has helped me so much. Like reading fiction, it could be like autobiography or biography, but something that's just in story format. I'm never able to get through autobiography. I always prefer memoirs. And like I'm awfully guilty of reading a lot of them. But that's just something that's really nice. And I'm kind of glad with the response Feynman got, at least on Discord. Discord, but people were talking about Feynman. I was like, this is nice. This is really, really nice. आई थिंक कमेंट सेक्शन में बातचीत भी आज काफी लोग बता रहे हैं उसके, मीन पढ़ी है उन लोगों ने, आई होप, और आपको पसंद भी आई हो, तो डेफिनेटली वॉट एवर योर व्यूज आप प्लीज शेयर करिए, डेफिनेटली हम बात करेंगे उसके ऊपर भी. एंड ऑल्सो देन सम गाइज पीपल आर टॉकिंग डू अबाउट लाइक द नेपटेल. स्ट्रीम, या तो ये यस बाप भी यस बोल यस दो, मे बी दे लिसन. डेफिनेटली डेफिनेटली. देखो लाइक करो, स्ट्रीम लाइक करो भाई, हम वापस आ गए हैं, एंड आई होप इन द फ्यूचर और वीडियोज वगैरह बनाएंगे अपन. आई फील ऑफुल व्हेन आई डू दिस, बट देन आई एम लाइक गाइज प्लीज लाइक द स्ट्रीम, इट विल जस्ट हेल्प अस प्लीज. कोई बात नहीं, बार बार दिस लोगों को याद दिलाने में कोई गलती नहीं है, ईमान की चादर पे मैं मॉर्निंग दम आई जाता सैट डाउन लाइक, सो वी डिड अ हूँ. फ्राइडे स्ट्रीम, सो वी आर प्लानिंग टू डू द फ्राइडे स्ट्रीम्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग. बस हम 11 PM से रात को पुश करके सुबह 11 AM ओ करेंगे, दैट्स इट. बट वी एक्चुअली एंजॉयड द मॉर्निंग स्ट्रीम अ लॉट, एंड देन आई सैट डाउन लाइक हुसैन वाज वाचिंग एंड आई वाज लाइक लिसन प्लीज लाइक, एंड आई फेल लाइक अ मदर टेलिंग द चाइल्ड लाइक जब भी गेस्ट आता है स्ट्रीम लाइक करनी होती है, दैट्स द रूल, प्लीज डू दैट. बट या सो बात. आई एम ऑल्सो लाइक आई डोंट नो, लाइक आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द बुक फॉर द नेक्स्ट मंथ. ओह व्हाट इज एंड दैट? आई डोंट थिंक अभी वी अभी रीड इट, आएगा हम अभी थोड़ा आएगा. सा हाइप कर लेते हैं. बट अच्छा आई एम सो आई हैड पोस्टेड अ स्टोरी येस्टरडे और मे बी द डे बिफोर येस्टरडे, ऑन आई कांट इंस्टाग्राम. रिमेम्बर. या ऑन इंस्टाग्राम आई वॉज होल्डिंग टू बुक्स एंड आई हैड आस्क्ड पीपल टू चूज वन लाइक, एंड दे लाइक वन गॉट मोर वोट्स. आई एम स्टिल थिंकिंग इन माई हेड इज इट ओके इफ आई टेक आउट द अदर वन, बिकॉज इन मैं एनी यही केस बोल रहा हूँ एवरीबडी कि कैन कैन वी सी द टॉक रिजल्ट. अबाउट द बुक दैट लॉस्ट अभी या आई द नहीं? वन आई टोल्ड यू अबाउट इज द वन दैट वन, द अदर वन इज नहीं, हाँ, द एक्चुअली वन दैट लॉस्ट, द वन दैट डिडंट गेट एनी और दैट मच ऑफ वोट्स. वी आई हैवन्ट टॉक्ड अबाउट दैट विद यू, बट इट अच्छा इज अ ग्रेट बुक. आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आई वाज लाइक हे इफ आई एक्चुअली पिक दिस आई विल बी एबल टू फिनिश इट, बट लाइक या आई ऑल्सो ट्राई टू डेमोक्रेटाइज इट अ बिट. ओके. बट यस दैट्स दैट विच इज दैट वन बुक. ओके आई पिक्ड अप फेमन, बट लाइक इफ देर वॉज अनदर बुक दैट यू कुड रिकमेंड मी और लाइक आस्क मी टू पिकअप अपार्ट फ्रॉम अच्छा कॉस्मॉस. तैयब बुक अ मंथ क्या होता? People who really follow Tayyab can pick up this book in the near That future. means I have to pick that book too. I'm ठीक है. assuming you'll pick up a book that you like actually or आई you've मेरा read. मेरा प्लान है इसको आगे कंप्लीट करने का, तो Nice. हाँ Are you a तो part of the book club as well on WhatsApp? आई थिंक आई एम ऑन द ईमेल लिस्ट वाला पार्ट. Okay. व्हाट्सएप तो नहीं, व्हाट्सएप तो नहीं. ओके चलचित्र बुक क्लब. सो आई'ल ऐड वी दैट. आई हैड रेकमेंडेड दिस बुक वंस, अ बुक ऑफ सिंपल लिविंग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग इट. नाइस. रियली नाइस. वेबो इज रीडिंग इट आजकल. ही पोस्टेड अ कपल ऑफ स्टोरीज इन द ग्रुप एंड देयर आर अ कपल ऑफ पीपल हु रोट मैसेजेस अबाउट द बुक एंड आई वाज लाइक एवरीवन हैज बीन रीडिंग इट, दिस इज सो नाइस. इट्स एक्चुअली अ गुड बुक, अ बुक ऑफ सिंपल लिविंग. दिस यस आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स कमिंग अबाउट फिनमिन. लोग चाहते हैं अब वापस से फिनमिन पे आने का. He was, तो what was the Manhattan Project? Like I know he was head. यार Do you आई have थिंक any आई idea? ऑल्सो हैव सम एसोसिएशन, बट मैं भूल गया हूँ. Okay. Devra is saying, okay, Love Physics is a very cool book. It talks about why the rainbows are bent and many more curious things. Hey Mayur, that's nice. Thank you so much for recommending it. Okay, this was about atomic weapons during World War II, the Manhattan Project. All right. Devrat is saying that Feynman was Jewish, same time era, Anne Frank was also present. See the difference in the life of the two of the two in the two countries. True, like of course. I think people have already started recommending books on my behalf. Somebody said Meditation. meditation.
We used to that's a be in good book. meditation initially on Thursday stream. So initially Thursday streams used to be dedicated for books, right? Where when I would come and pick up a chapter, pick up a short story, and we did read meditations once. Yeah. Yeah, I really want to recommend this book though. Why not? Just give me 1 second, I'll get the book. Yeah, Shinmin, that's a very I didn't know about this. So how did people eventually come to know about the project? The book is a slap to the stereotypes on the scientific community. True. I hope we're talking about the same book, Abhishek. Sorry. Yeah. I hope Was it ke nuclear bomb maybe or was it atomic bomb? जब गूगल तुम्हारे को एटॉमिक बॉम्ब ही बता रहा गूगल इज राइट. है. यस, व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग देन यू मस्ट ट्रस्ट गूगल. वेल आई डोंट नो लॉट बट देन अबाउट अगेन एटॉमिक गूगल. बॉम्ब एंड न्यूक्लियर बॉम्ब आर राइट सेम सेम. रियली या आई माइट I बी thought रॉन्ग the impact of बिकॉज़ nuclear bomb is more than atomic bomb. चलो ये भी गूगल कर लेते हैं. Hey, this is nice. Also, guys, in case you're wondering, Tayyab is going to host the Saturday streams every Saturday now. Yay! यस Tayyab, hope यस you'll दैट join इज Saturday, कमिंग please. दैट इज कमिंग. ओके Tayyab will be leave behind all the Yale lectures because he'll be teaching us science now. So, बता दो लाइक कौन सी क्लास का सिलेबस फिनिश करना एंड वील डू सो. ओके सो यस एवरी एटॉमिक बॉम्ब इज अ न्यूक्लियर बॉम्ब. ओके बट लाइक इट्स द इम्पैक्ट इज डिफरेंट राइट. दैट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग योर बॉम्ब इज बट दिस इज द वे इट इज. ओके आई मीन लाइक देर आर अदर बॉम्ब्स टू लाइक हाइड्रोजन बॉम्ब थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब एंड प्रॉबली मोर जिनका मुझे पता भी नहीं. I'm like मैं बम वगैरह के बारे में ज्यादा सर्च करता ही नहीं बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कम्स अप. तो हाँ लीविंग दैट टॉपिक वहीं पर ही. तो अगर अगर इफ यू वांट टू फॉलो समथिंग एल्स Wow, the cover is तो really nice. आई डोंट नॉट आप पढ़ Hey, पा रहे how हैं कि नहीं. much did this cover cost, if I may ask you? दैट वाज अ डील. आई थिंक आई गॉट गॉट दिस किताब शायद मेरे को 300 थ्री Like, हंड्रेड what was the actual cost of the? दिस विल प्रॉब्ली बी 1,000 रुपीज बुक. लेकिन मेरे को कुछ कूपन वूपन लगाया था और समथिंग हैपेंड आई गॉट इट फॉर 300 रुपीज What coupon was this? समथिंग ऑन अमेजोन वॉज देयर. Okay. या तो दिस इज अ ग्रेट बुक. दिस इज एन अमेजिंग बुक. दिस इज सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक सॉर्ट ऑफ फिक्शन सॉर्ट ऑफ रियल लाइफ और पता नहीं क्या क्या है. How is Moby Dick scientific? इट्स लाइक दिस गाय टॉक्स अबाउट व्हेलिंग एंड फिशिंग इन Okay, that सच was गुड me. I was डिटेल. like, what did I miss in movie? Sorry. यू हैव रेड रेड इट राइट. Yeah, but like not really, but like I was like, what? ओके इट्स लाइक आई लाइक कि उसने जगह जगह पे इट्स लाइक देयर इज अ प्रॉपर साइंटिफिक Yeah. फिशेस के बारे में उसने बताया है. एंड आई डिडंट नो दैट व्हेल्स आर इतनी सारी टाइप की व्हेल्स होती हैं. और लाइक नाउ यू कैन सी द साइंटिफिक पार्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट दीज आर नॉट स्टोरीज एज पर बट वो पूरा समझा रहा है अबाउट डिफरेंट फिशेज एंड हाउ डू यू फाइंड देम. तो या यू यू कैन गो फॉर दैट. काफी प्लस कूल. मोबी डिक इज ऑल शुभ अबाउट डीडी इज ह्यूमन आल्सो रिफ्लेक्शन. कमेंटिंग कूपन प्लीज. अरे अरे डेफिनेटली आई नेक्स्ट टाइम मेरे को ऐसा कोई कूपन मिलता है तो आई विल शेयर इट विद इट द सो हैपेंस दैट जो आई हमारे ऑलवेज मिस गॉडफादर्स द हैं सेल्स पेट्रन्स ऑन एंड ऑल. अमेज़न. सॉरी, आई एम सॉरी यू वर सेइंग. इज देयर अ लैग? नहीं, ओके, मैं भी आई बोल वाज रहा जस्ट था आगे सेइंग बोल लाइक रहे थे. इट सो हैपेंस दैट एवरी टाइम आई ट्राई एंड गेट अ बुक फ्रॉम अमेज़न आई मिस द लाइक आई मिस द टाइम जब भी कोई ऑफ या डिस्काउंट चल रहा है फॉर बुक्स. सो आई देयर इज अ ट्रिक टू इट. मतलब इट्स नॉट लाइक 100% दैट वर्क्स बट व्हाट दिस देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड कीपा KEEPA.
ओके वॉट यू सपोज टू डू इज दैट लेट्स से दैट यू वॉन्ट टू बाय अ बुक एंड यू नो दैट ऑन एमेजॉन द प्राइस कीप्स फ्लक्चुएटिंग सो एज अ बायर यू वुड लाइक टू बाय इट एट इट्स लोएस्ट प्राइस बट यू डू नॉट नो वेन इट्स लोएस्ट प्राइस वुड बी सो वील नॉट गो इन टू दैट डिस्कशन के वो कैसे लो होती है यू जस्ट वॉन्ट टू नो वेन इज द लोएस्ट प्राइस दिस वेबसाइट कॉल्ड कीपा or you could go into the pricehistory.com there is one more website called pricehistory.com what you do is amazon wali website se aapka jo bhi product hai book or whatever is it that you're trying to buy on amazon uska link upar jo browser mein aata hai wo copy karke pricehistory.com pe dalo pricehistory.com will tell you the history in a very graphical manner that how is this book's price been for the past 3-4 6 months so you'll able to matlab tumko dekhte hi samajh mein aa jayega ki ab ye book agle hafte kahan jane wali hai ya is this the best nice. price that the book is at because if even if the book is at a certain price you do not know that ye usse bhi 50 rupaye 100 rupaye 300 rupaye saste mein milegi ki nahi milegi you do not know until it goes there so you have to first find out that did it ever go to that low price to wo samajh mein aa jayega So there is like a very good website और ये history वाला चीज़ बहुत अच्छी है because उसके बाद में you know कि हाँ मैं जिस price पे खरीद रहा हूँ that is like the lowest one या at least not the highest one because there comes एक दो peaks ऐसे आते हैं when they are I don't know when they are like क्या बोलते हैं उसको जो stock वापस लेकर के आते हैं या when there are like only a few pieces of the books left. So they sort of increase the price बहुत ज़्यादा तो वो भी वो pricehistory.com और कीपा से पता चल जाता है दिस इज नॉट द राइट टाइम या दिस हैपेंस टू मी विद डेबोरा लेवी बुक्स आई ऑलवेज बाय देम ओवर प्राइस्ड 499 की बुक गेल पे लाइक 900 बक्स फॉर इट ओह वेरी सैड लाइफ बट इट्स ओके आई होप द बुक वाज वर्थ इट या द बुक इज वर्थ इट बट या I also miss Delhi for the same reason because the market used to be so it's I don't know if it still exists it's so good. I if got you this are into book. Books and if you want to buy books so Delhi se achhi koi jagah nahi hai. Yeah there are so many pre-loved second hand books that I've got which are probably not available anywhere today. There's this book which I once recommended it's called must be somewhere here it's by Roman Gary and it's called Nothing Important Ever Dies and it's one of the most beautiful books I've read on war and World War II especially because it talks about Polish resistance everyone talks about like UK US and everything nobody talks about these other countries it talks about how Poland put up the fight there was like local like aise army wale nahi like localized how did they put up a fight and it's such an amazing book And you just can't find it online. And I found it in like Delhi Kimonga and I was like, oh, wow, I have a rare book. What? Oh my God. Yeah. But yeah. मेरे लिए तो ये है कि I go to those book fair तो नहीं बोलेंगे उनको क्या बोलते हैं उनको book market like yeah. flea market sort of जो होता है वो मुझे 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 इसलिए पसंद है because I never go and look for some particular book. मेरे को ऐसा नहीं था मेरे को आज ये बुक खरीदनी बिकॉज आई माइट फाइंड इट देयर और आई माइट नॉट लेकिन मुझे जो जो मेरी आंखें चल रही होती हैं दैट इज ओनली फॉर द कवर तो इवन इफ आई हैव दिस पर्टिकुलर बुक लेकिन मेरे को उसका कुछ एक अलग कुछ कुछ आई डोंट नो कुछ पुराना सा कुछ तो ऐसा कवर मिलेगा The caring, reason caring, why I picked caring. it, not picked it up, but the reason why I bought the book was because of the cover. And then of course, like, Joske Piche Parata, I was like, oh, this is nice, I have to buy it. But like, cover is a major reason why I buy my books. Mere liye to physical books ka matlab hi sirf cover hi hai. Matlab, we did have this very long discussion. Aur us time pe, ye book jeet gayi thi, agar aap logo ko yaad nahi ho to. So yes, but still, there is certain, kuch to maza hai bhai. आर्ट बुक को पकड़ के पढ़ने में या लाइक फिजिकल टैंजिबल कॉपीज आर लाइक रियली नाइस दैट वे बिकॉज़ एवरी टाइम यू हैंड ओवर समथिंग टू द अदर पर्सन इन फिजिकल फॉर्म
it just creates the, it just makes it more personal. It And it does. humanizes the entire process. Yeah. So when you're reading something on Kindle, it might be really nice. They've put together some amazing technology. The text can be increased in size. You can read whatever you want to. You can carry 300 books with you, millions of books with you. But then you don't no longer have the, like, you know, like bachpan when we were falling asleep, you would just keep the book here on your chest and you'll just fall Yes. asleep. Like, what do you do with Kindle? Kindle will fall on your nose and it'll break it. I'm just, I don't know. But I'm just saying, like, there used to be the, there are like small charms that we no longer really have with us anymore, mostly because we're turning to technology, which is a nice thing. We're saving a lot of time, etc. But the small physical things have a charm of their own. I like how Feynman discussion is becoming spiraling into like so many more But topics here. this is nice. So many people are putting up so many more questions. एक भाई बोल रहे हैं कि तैयब इज बीइंग वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग. उस टाइम तो तैयब बोल रहा था कि ई बुक बढ़िया है, और अभी बोल रहे हैं कि हाथ में बुक But लेने में at अलग that मजा time, we were आता है. talking about like what is like wise for you. Like Kindle, of course, saves a lot of paper, and of course, like it's good that way. Like, We but all know mentally, all the plus points of those things, but as Vani explained very beautifully, there is a sort of a, you know, जब आप फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ में किसी चीज को जोड़ पाते हो ना, तो मजा अलग होता है उसका. yeah. बिकॉज व्हेन जब मेरे पास में ये बुक नहीं भी होती ना, बिकॉज आई नो दैट दिस सिट्स समवेयर इन माय शेल्फ. तो इवन व्हेन आई वाज इन लाइक जमशेदपुर और समवेयर एल्स, आई न्यू कि वो बुक कहाँ रखी है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कहाँ रखा है. व्हाट डिड आई फील लाइक व्हेन आई रेड दैट बुक, तो वो कहाँ रखी है, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट. किंडल के साथ में ये है कि इट्स लाइक इट्स इन माई लैपटॉप टू, इट्स इन माई फोन ऑल्सो, इट्स इन माई किंडल, इट्स लाइक अ फाइल, इट्स लाइक अ मैसेज. तो वही मैसेज और लेटर में जो फर्क होता है, अ मैसेज इज ऑलवेज मोर कन्वीनियंट, बट देन अ लेटर इज द मोर पर्सनल थिंग. नाइस. तो या या ऑल्सो द पीपल हु आर सेइंग कि कौन सी बुक है, दिस बुक इज कॉल्ड मोबी डिक बाय हरमन मेलविल. आई डोंट नो ये फ्लिप करके आ रहा है या कैसे आ रहा है, बट दिस इज द हार्ड आई कवर, यू कैन बाय द कैन सॉफ्ट कवर टू. या सी इट. या There was another book that I had once recommended. Not recommended. There was this one book that I had found in Delhi. The book was signed by four people, like to so and so, by with love, dish, dish, dish. Apparently, the person probably had cancer. I do Wow. not remember why. I know that he had cancer. Kuch hoga us note mein, whatever. When I bought the book, now obviously the book was pre-loved. I'm assuming he's dead, but. The book is about this guy who has cancer. I can't remember the name of the book. The book is about this guy who has cancer. It's a real story. It's a real story. It's an autobiography of sorts. He Wait, has cancer. the book is a He real story, and also the story it's an that you are autobiography. telling. Okay, wait. There is this book which is an अच्छा autobiography of a person who had cancer. yeah. The book was given by four friends to this guy who had cancer, and I think he's dead because that's why the book was for sale. All Right right. now, this book was published because the guy had cancer and he thought he'll write about his life story. And then he had terminal cancer, but somehow he got healed and now he's alive. I don't know if he's alive even now, but like I don't know. And that's how the book Okay. came into being. Now imagine he's written an autobiography. He's revealed all the facts in his life. Like, I hate this Oh. person, I hate this person. And then you realize like your doctor is like, hey, you only have 2 days to live. So you kind of like throw your juice in front, like no, like throw your drink on everyone's face, and then 2 days later the doctor tells you, hey buddy, it's okay, you're healed. And Yeah. it's just like, oh god, the book is so good. Like I don't know, but yeah, I आई can't थिंक remember कुछ the तो name of the मैंने book. कुछ तो फनी, आई डेफिनेटली रिमेम्बर दैट दिस वाज समथिंग बॉलीवुड या फिर इंडी इंडियन मूवी का कुछ सीन था, दैट दिस गाय वाज हैविंग सॉर्ट ऑफ हैविंग एन हार्ट अटैक. अब एज अ व्यूअर सबको लग रहा है कि हाँ, उसके आसपास के लोग क्योंकि ही इज हैविंग एन हार्ट अटैक, उसको आ रहा है, और वो बस वो अपनी जिंदगी का आखिरी लाइन बोल करके अपनी बीवी को, अपने बच्चों को समझा करके जा रहा है. एंड देन दिस डॉक्टर कम्स अप एंड ही चेक्स हिम अप एंड ही सेज भाई को गैस हुई है, ही विल बी फाइन. No, but this guy's doctor actually told him, hey, you're going to die, you don't have a lot of time to live. हाँ So he decides to write a book. It's not the last lecture, guys, जो भी लास्ट लेक्चर डाल रहे हैं, it's not even when breath becomes air. But I can't remember the name of this book. It's a very, I couldn't find this book online anywhere. So I'm like, it was one of those फॉलो good फॉलो finds. वानी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ताकि जब वो वहां पे जैसे याद आएगा जरूर बताएंगे आपको. तो या Yeah.
it's very interesting because the guy's doctor actually told him I'm going to die. So he goes ahead, gets his autobiography published, and then like he just. Oh But it was kind of nice the way like four friends had given this book to their friend who was dying of cancer. And I kind of like, I don't know, I found like one of the many reasons why I love Delhi. Like the book market is insane. Sometimes it's so cool, like, okay, I shouldn't say it's cool because technically you should pay for these books because it's just very bad of us to like bring my. down their value. But it's also like very good on the pocket, right? Yeah, it's very You economical. give 100 bucks. Sometimes they're like 30 ka kilo, and I'm like, हाँ, are you yeah. paying me? And I've completed my horrible histories ki collection because of that 30 ka kilo. And I was like, what? Let me just. And I just kind of rushed, and I found horrible histories in two different books, but then two different stores. But I miss Delhi. This stream should not be like discussing payment, it should be like missing Delhi and the flea market. Yeah. Oh, नहीं, it's good, it's good. I've been, इतने दिनों से मैं गायब था, तो अब एक साथ सब निकल के आ रहा है, तो दिस स्ट्रीम कैन नॉट बी अबाउट वन टॉपिक, इट हैज टू बी. Yeah. या सो I'm also in this room after a long time, so I'm just looking at the डिड books that यू I have. रीड एनीथिंग एल्स इन दिस मंथ अपार्ट फ्रॉम फेमम? मतलब वुड यू लाइक हैरी टू? पॉटर. आई हाँ, यू सेड हैरी पॉटर. हाँ, डिड रीड हैरी विच पार्ट आर पॉटर. यू ऑन? I'm फर्स्ट? अबाउट आई वॉज अबाउट टू फिनिश द थर्ड पार्ट वेन आई केम होम, बट आई लेफ्ट माई बुक देयर. सो आई एम अबाउट टू फिनिश द थर्ड पार्ट. आई एम होपिंग टू फिनिश द नेक्स्ट पार्ट ओवर द नेक्स्ट 2 weeks. Also, 1 week or so. I want to ideally finish it next week. Apart from that, I read a few books here and there. Like, I have been reading a lot of, like, so sometimes you don't read the entire book, you just read a page of it because you know the book is nice, or you reread something that is already. So I did a lot of that. I read From The Art of Motorcycle, Zen and the Art of Motorcycle Dude, I Maintenance. was about to talk about that. मैंने भी वो It's a थोड़ा बहुत beautiful book. स्टार्ट I want किया to pick था. it up for a book a या month. I really want to pick it up for a book a month. Maybe बट in ये वो October. बुक नहीं है जो इस बुक का मंथ होने वाली है, Yeah, it's आई कैन टेल not. यू दिस. It's not. I really want to do it. I'm just not sure how many people would. I really don't like. I'm trying to get out of. I'm in that zone where I'm trying not to read what everyone wants me to read. I'm trying to be my own person and pick up the books that I like. Yeah. Ironically, I've picked up the book that most people voted for this month. So, but theek hai, cool. But But you can read the other book too if yeah, you. I'm reading the other book. It's amazing. But yeah. Do I read the book completely before putting it out first? No, I don't. I just pick up a book that I've also wanted to read and I've heard a lot about. And like 8 out of 10 times, it works. The best part about reading what you like is what you like वाला सीन चल रहा है. तो दिस इट्स नॉट लाइक होमवर्क कि आपको कंप्लीट ही करना है Yeah, या आपको and पूरा ही करना you है. know, it usually happens with people when it comes to movies and TV shows. They start watching a thing because it's very famous. And for example, they'll watch Godfather only because, like, the legend says it's a must-watch movie. It happens to me in cases of books where I feel a lot of FOMO. I don't really, like, I'm sorry I'm putting it out here, but I don't really care if I haven't seen a movie or a TV show. It's not like I'm missing out on a lot of things. I don't really value it so much. When it comes to books, I have this FOMO. And then I try to read whatever I can, and then I just get overwhelmed and I This just feel happens, this bad. happens. Yeah. And I had said this in this video, as like the video that I made at the beginning of this year. I was like, this is not something that I'm going to do this year. I started with that, and now I find myself again in that loop, and I'm like, how did I end up here It's again? okay, it's okay. Sometimes even the best of us slip down. होता है कभी कभी, पर it's fine. ऐसा It's खुद को become ज्यादा like a गिल्टी therapy नहीं करना session. चाहिए कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं पढ़ा, ये क्या कर दिया. इट्स फाइन, यू कैन स्टार्ट अगेन. यू आप आपके हाथ में ही है वो बुक, तो डोंट वरी अबाउट इट. ऑल्सो द पीपल हु आर सेइंग कि आप क्यों डिस्कस कर रहे हो या वील वॉच दिस थिंग लेटर, डू नॉट वरी, हम कोई स्पॉइलर We नहीं are दे रहे. not going to give any spoilers, या yeah. हम प्रॉबेबली बुक के बारे में कम बात कर रहे हैं, और पता नहीं कैचिंग अप ज्यादा चल रही है यहाँ पे जिंदगी की. तो या प्लीज डू स्टे फॉर द स्ट्रीम एंड ऑल्सो लाइक द स्ट्रीम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 80 पीपल आर वॉचिंग अस एंड
आप आपको कुछ बात करनी हो, आपको कोई एक कोई टॉपिक डिस्कस करना हो, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सम बुक, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ऑल्सो द बुक फॉर ऑगस्ट विल बी रिवील्ड लेटर बाय वानी ऑब्वियसली. Yeah, we'll reveal it when we get 150 likes. As soon as we ओ hit 150 likes, we'll reveal it. यस, 150, 111 तो हो गया भाई मेरे पास में. Okay. 112. Like whenever we get 150 likes, we'll reveal it. Yep. Guys, let me know. But yeah. What else, Taya? What have you been traveling lately? I did travel. मैं ऑफ कोर्स एक बार कमेंट में बीच में भाई ने पूछा था कि तैयब जमशेदपुर से है क्या. नहीं, मैं जयपुर से हूँ, बट आई हैड टू गो टू जमशेदपुर एक बार, आई थिंक 7 days के लिए, जस्ट फॉर दैट कॉलेज वाइंड अप और हॉस्टल वगैरह जो लाइक हैंड ओवर द कीज एंड ऑल, वो सब करने के लिए. तो हाँ, आई एंजॉयड इट. और दिस टाइम इट वॉजन लाइक कि मेरे को पढ़ाई करनी है एंड एग्जाम देने एंड ऑल दिस टाइम, लाइक ठीक है, वंस आई एम डन विद द ऑफिशियल वर्क, आई यू नो थोड़ा सा साइट सीइंग पे जाएंगे मे बी. आई डोंट नो, आई वुड लव टू विजिट जमशेदपुर अगेन, बट प्रोबेबली देर आर अदर प्लेसेस टू गो टू ऑल्सो. तो आई जस्ट वॉन्टेड वन लास्ट गुड बाय. तो आई वेंट टू सम रिमोट प्लेसेस, सम तो कुछ, तो अभी मैं झरना वरना बोलूंगा तो मम्मी मेरी झाड़ू से पिटाई कर देंगे. मैं झरने पे नहीं गया था, झरने पानी की जगह पे मैं बिल्कुल भी नहीं गया था, बट हाँ देर वॉज लाइक सो मच ग्रीनरी. एक्चुअली आई कैन डिस्कस दिस. तो मी एंड माई रूममेट, जो लोग बोलते हैं कि शायद रूममेट पीपल आर लाइक डिबेटिंग, पता नहीं कुछ तो बोलते रहते हैं वेदर तैयब रूममेट इवन डजंट एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट. बट ही डज. और आप आई उनके होप, साथ घूम के आई आए. डोंट नो, मेरे साथ फाइट क्लब वाला सीन हो सकता है. सम अदर पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल वुड टेल मी कि नहीं करता वो एग्जिस्ट, तो खुद ही खाना बना रहा था. आई होप दैट नेवर हैपन. बट हाँ, तो हमने एक बाइक रेंट करी ओके. बिकॉज वी वर लाइक कम ऑन लास्ट जमशेदपुर राइड. तो वी वेंट सुबह सुबह, आई थिंक धूप के चक्कर में हम लोग 4:30-5 बजे उठ के चले गए. और क्या क्या जगह थी भाई, क्या जगह थी, शांति और लाइक जंगलों के बीच में एंड लाइक 40-50 किलोमीटर्स योर राइडिंग, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. दैट वॉज सुपर फन. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्लेस, तो अगर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा, बट हाँ जमशेदपुर में था वो. तो दैट वॉज फन. देन आई केम बैक, फिर ईद हुई तो ईद वॉज ऑल्सो सुपर फन. और अभी भी चल रही है ईद की ईद को यू दावतें. गाइस मेट नो. हाँ, वी वेंट टू जकीज, तो वहां पे वैभव भी आया था, आई थिंक विनय, क्या नाम है उसका, विनायक वाज आल्सो विनायक भाई, देयर. सॉरी विनायक वॉज ऑल्सो विनायक देयर. वॉचेस ऑल आवर स्ट्रीम्स रिलीजियसली. उसका पहला कमेंट था, ठीक है, दैट वाज नॉट कूल ऑन योर पार्ट. आई लाइक यू विनायक भाई, दोस्ती बनी रहे अपनी बस. आई ऑलवेज हैड द मोस्ट. हे मंजीत हैज कमेंटेड, आई ऑलरेडी हैड द मोस्ट वंडरफुल डे सिंस आई वाज इन द स्ट्रीम टुडे. तैयब भाई ओ होते तो और भी मजा आता. थैंक यू फॉर लेटिंग मी. ओके, बाय द वे करंटली रीडिंग 100 Years of Salt. ठीक है, दैट्स अ नाइस बुक. मंजीत इधर भाई, तैयब आप होते. डेफिनेटली अगली बार हम जब वानी के साथ में स्ट्रीम करेंगे तो आई विल ज्वाइन एंड मे बी यू विल आल्सो ज्वाइन, और खूब मजे करेंगे अपन, डोंट वरी. सादत हैज बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. जकीज ब्रदर हैज बीन रीडिंग सो मेनी बुक्स एंड इट्स सो कूल. हाँ, मैंने भी मतलब अभी जब मैं गया ईद की पार्टी पे, तो मेरे को नहीं पता था जकिया स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, मतलब ऐसा, मतलब रिलीजियसली, मतलब तो ही शोड मी हिज कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड आई वाज लाइक क्या बात है भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू. A few days ago, we had Devaya Bopanna on the chat, and like I've started this new show called the Underwood Games show, and he said like he told me like you know what like I'm going to come on the show and I'm going to tell people like books are like very overrated. You know, like he didn't say this directly, but like ओह he meant like books are overrated. There are better ways to consume knowledge. And I was like, आप तो धंधा बंद करवा दोगे. But then, लेट्स yeah, there are इनवाइट better ways. देम, मुझे बात करनी है. He's nice. He's going to come on like the next round, like वो क्वार्टर फिनाले में आएंगे क्विज के. He cleared the semi-finale. He cleared the first round, preliminary round of the quiz. ओह But it's very cool. He's really nice. Had ओके, super nice conversation with him. उनकी documentary recommendations काफी सही थी. But yeah, he said this thing and I realized, yeah, there are like, I've been, you kind of end up limiting yourself to a lot of things
थिंग्स लाइक वेन एवर आई हैव टू डिसाइड कि अब मैं कुकिंग करूँगी लाइक आई नीड टू लर्न हाउ टू कुक आई गो एंड बाई बुक्स एंड देन आई डोंट रीड देम इवेंचुअली आई विल गो टू अ यूट्यूब चैनल एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट द चैनल इज टॉकिंग That अबाउट happens with everybody. Yeah, बट या लाइक it's एंड देन ठीक आई स्टिल थिंक कि थियोरी में यूट्यूब थियोरी में बुक से सीखूंगी प्रैक्टिकल है. बुक्स है. ठीक है यूट्यूब बता देगा Yeah. बट या आई मीन लाइक आई एम जस्ट लाइक इट्स ओके इट्स कूल लाइक वो जो एफर्ट और वही वाली बात है कि यू 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 सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड आफ्टर अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ या फ्यू पेजेस दैट द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन माइट नॉट बी सो मच अगर आप वो वीडियो देख लोगे. ऑल्सो यू 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 सॉर्ट ऑफ नो कि बुक वाली नॉलेज तो बुक से ही मिलेगी बट देन यू अंडरस्टैंड दैट जस्ट टू गेट थिंग्स डन मुझे गाजर का हलवा बनाना ही है मे बी नॉट द बेस्ट गाजर का हलवा लेकिन हाँ बस खाने लायक तो हाँ दैट कुड बी डन बाय द वीडियो बट वो दिमाग में रहता ही है दैट आई हैव दिस बुक विच टीचेज मी हाउ टू मेक द बेस्ट गाजर का हलवा तो वो बस वो शांति रहती है कि आई हैव दिस नॉलेज नॉट इन माई माइंड बट इन माई बुक बुक शेल्फ या ये रहता है. लाइक आई रिकमेंड बुक्स आई कॉन्ट से दिस बट समटाइम्स वी डू गिव बुक्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड लाइक नो लाइक अ लॉट ऑफ बुक्स आर नाइस बट सम ऑफ देम आर लाइक ठीक हाँ एंड ऑल्सो आई हैव दैट है लिस्ट जो मुझे लगता है ये बुक छपनी भी नहीं बट आई चाहिए. स्टिल कीप देम तैयार बिकॉज आई थिंक दे लाइक वन डे आई विल रीड देम एंड आई विल बी वन बेटर देन द अदर पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी बिकॉज आई नो चिलीज को हम एक्स वाई जी तरीके से क्यों डालते हैं एंड वाई नॉट ए बी सी तरीके से नाइस जस्ट नाइस लाइक वन डे आई रीड बट देन आई केम अक्रॉस दिस रियली अमेजिंग कोट अ फ्यू डेज अगो आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई नीडेड टू रीड बिकॉज आई वॉज ओवरकम बाय द गिल्ट आई हैव फॉर द बुक्स आई बाय दिस वॉज बाय दिस पर्सन आई पोस्टेड द सो रॉबर्टो कलासो रिसेंटली पास्ड अवे ही वॉज एन इटालियन राइटर एंड पब्लिशर एंड ही यूज टू अक्वायर बुक्स नॉट टू रीड इमिडिएटली बट टू प्लेस ऑन बेड साइड टेबल्स एंड इन नुक्स ऑफ रूम्स नोइंग दैट इन 5 maybe 10 years the very thing he is looking for will be contained in the pages of one of these books and क्या i बात है. absolutely i kind of was like oh god ye to क्या what a गहरी thing गहरी बात बहुत गहरी बात बोल दी. मतलब उन बुक्स में दबा हुआ है वो जीवन maybe not in शायद 5 years but in 10 years you क्या will बात. like i'm like okay cool i'll be patient with the books and i यू हैव टू बी वही वाला सीन है. इट्स लाइक विद वीडियोस यू कैन यू नो स्क्रॉल डाउन और आगे पीछे और ऊपर नीचे कुछ भी करके एंड थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेड इन अ वे जो कि इजी टू कंज्यूम होता है. बुक इज लाइक बुक रिक्वायर्स सम एफर्ट आपसे. आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें. आपको आपको पहले वो कॉन्टेक्स्ट समझाएगा वो. इट्स लाइक वीडियोज कुड डायरेक्टली जंप ऑन टू द लाइक एंडिंग या मॉरल वगैरह आई आई बिलीव बिकॉज दे सॉर्ट ऑफ उनको पता है ना 3 4 5 मिनट के बाद में पीपल विल स्टॉप वॉचिंग दैट वीडियो. बट अ बुक कैन नॉट बी लाइक 3 पेजेस लॉन्ग. उसको पूरा समझाना समझना सब पड़ेगा एंड इट रिक्वायर्स सम एफर्ट फ्रॉम And यू. every book, yeah, you're right. And every book needs a particular setting. Like, you can't rush through any book. Sometimes we're like very excited, and I kind of have to slow myself down. Like, hey, do not jump paragraphs because you're excited. I don't know if it happens with you, but sometimes I get so excited while reading books. I just jump paragraphs, and then I have to like hold my reins and like, hey, we missed a chapter. Just come back. Don't be so excited. It's okay. That really happens, and yeah, but every book kind of comes to you in its own time. You can't rush the process of enjoying a यू book, कैन नॉट. यू कैन and बाय ऑल ऑफ द बुक्स एट वंस लेकिन वो yeah. आपको अंदर से आवाज जब आएगी तभी आएगी. इट कुड बी इट्स लाइक आई हैव दिस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पूरा सेट पड़ा है. इट्स आई थिंक इट्स 6 years नाउ. और कभी कभी बहुत बुरा लगता है कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कभी कभी एक्साइटमेंट फील होता है बट आई विल डेफिनेटली पिक देम अप. वन डे आएगा कभी ना कभी अंदर से आवाज आएगी. Nice, really nice. Vinay Nayak is counting how many likes to go. He said 9 more, 8 more. Guys, this is ओ so slow. This is not nice, guys. Do कोई you बात नहीं prefer कोई बात book summaries for non-fiction books where you are having FOMO? No, फॉर द I पीपल हु don't. आर आस्किंग के वाई आर वी नॉट डिस्कसिंग फिनमैन. हमने वो पहले थोड़ा बहुत कर लिया है. ऑल्सो वी डोंट वॉन्ट टू गिव एनी स्पॉयलर्स क्योंकि बुक में ऐसा कुछ है नहीं.
आपको हम बता दें और कुछ बिगड़ जाएगा। तो या अभी हम ऐसी आगे बात कर रहे हैं। अर्जुन लाइक नेवर हैपेंस विद मी आई ट्रीट एवरी रिटन सेंटेंस विद ड्यू रिस्पेक्ट डोंट माय नो आई कांट डू दैट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू अर्जुन इफ यू डू दैट आई गेट एक्साइटेड व्हाइल रीडिंग बुक्स दैट इज वाई आई डू दैट। डू यू डू दैट एज वेल ताइए और डू यू आल्सो लाइक रिस्पेक्ट एवरी वर्ड मेरा तो दिमाग ही आई थिंक ऐसा है कि मैं आई कैन नॉट स्किप एनीथिंग, मतलब अनटिल अनलेस आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहाँ तक जो पढ़ा है ये वो यही है, तब तक मैं आगे नहीं जाता। इसीलिए आई एम लाइक अ लिटिल बिट स्लोअर देन नॉर्मल पीपल, बिकॉज आई टेंड टू गो बैक अ लॉट ऑफ पैराग्राफ्स, और मैं वापस जाके पढ़ता हूँ और मैं फिर दो लाइन पीछे जाके पढ़ता हूँ, लाइक व्हाट द हेल आई वाज रीडिंग। तो शायद ये पंगा है, बट आई हैव टू रीड, आई कैन नॉट स्किप लाइंस और पेजेस, मेरे That लिए वो used to मतलब ही चला happen with जाएगा। me as a child, like that used to happen with me a lot, where I just used to be कि I have skipped this, I cannot skip this, and it's not cool. But like as I grew, like once it happened with me, I was like, I was so excited to finish a book that I was like, I'll come back to this part. It's okay, I can finish off without this. I'll just come back to this part because I was so excited, and I never did. And then I realized. When I read it, that part, like, hey, this wouldn't have made any difference. So I was like, cool. It's okay. It won't always be like an enlightening experience, always तो नहीं हो सकता ना। या तो आई थिंक 150 इज डन, सो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस अदर बुक, बट बिफोर दैट अभी ऊपर एक कमेंट आया है दैट अंकित एम इज टॉकिंग अबाउट बुक्स आर जस्ट मीडियम नॉट द गोल, आर इंटेलिजेंस कैरेक्टर एंड आइडियोलॉजी शेप्ड बाय बुक्स पीपल ट्रैवल एंड हाउ वी अब्सॉर्ब इट लिंकिंग विद द रियल वर्ल्ड। That's Yes, yes. it is sort of correct, This is but exactly what we were talking then about. again the best part about books is you can virtually travel through books, you can have conversations with people who are not even in this दुनिया में है भी नहीं, आप उनके साथ में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो जस्ट बाय बुक्स। यू कैन सॉर्ट ऑफ हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ वेन यू आर रीडिंग द बुक। तो आई थिंक बुक्स कंसोलिडेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज जैसे हमने पहले भी स्ट्रीम में बात करी थी कि इट्स अबाउट एम्पथी, इट्स अबाउट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट हैपनिंग टू यू बट आर हैपनिंग टू द कैरेक्टर। बट जैसे हमने वैभव के साथ में भी एक बार बात करी थी, तो फीलिंग्स आर ऑल अबाउट केमिकल जो हमारे बॉडी में निकल रहा है, राइट। तो आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, आई एम सिटिंग यहाँ पे कूलर चल रहा है, मस्त जिंदगी चल रही है, तो आई एम नॉट फीलिंग एनी बहुत जैसे जोर से कोई फीलिंग नहीं आ रही मेरे को। बट इफ आई डू स्टार्ट रीडिंग समथिंग एंड आई एम सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टू दैट कैरेक्टर, तो ये हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंज आता है पढ़ते पढ़ते ही कि वॉट एवर दैट कैरेक्टर वॉज फीलिंग माई बॉडी विल स्टार्ट सिक्रीटिंग दोज केमिकल्स एंड आई विल स्टार्ट फीलिंग दैट रश। कुछ फियर हो सकता है, कुछ खुशी हो सकती है, कुछ गम हो सकता है। तो यू यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दैट वाई हाउ मैजिकल इज दिस थिंग, तो ये आपको बैठे बैठे आपको कहाँ ले जाता है। तो या दिस वॉज माई टेक। Nice. I'll also reveal the book for next month. Nandan has commented drum rolls. Should we go ahead and do the drum rolls? I This think Zoom was thought that's noise and it muted you. क्या वो नॉइज में आ गया मैं? ओ माय Don't know, गॉड, like Zoom just muted you. But yeah, hey, law concept said, hey, I just joined, I missed Tayyab. Where were you? Tayyab was आई एम हियर preparing मैन, for आई एम हियर। August's book a month. हाँ या जिंदगी में प्रिपरेशन चलती रहती है बस। But yes, okay, drum हाँ, तो rolls, I'm gonna reveal वी it. आर रिवीलिंग द नेक्स्ट बुक फॉर द बुक अ Yay! मंथ। Okay, I don't know why I'm very nervous, but it's this is but I posted about this book a day ago. I had given the two options, Flights and To Serve With Love, and we're picking up To Serve With Love because it got 61% of the votes from what I remember. Oh It's by E.R. Braithwaite. I hope that's how it's pronounced. And this is a very interesting book. It was published in 1959, and it's an autobiography of E.R. Braithwaite, like not autobiography, but it's sort of a memoir or an autobiographical work, you may okay. say. So it's about like he it's about this guy called Rick Braithwaite, who he is, and he was black, and once he was well educated as well,
but he moved to London and he realized racism still exists. And this book is about how do you deal with certain things that still haven't changed in society, even when you're trained in education, that this is something that has been long, this is something that's wrong and is long gone, like racism and so on. So a woman refuses to sit next to him on the bus, and he's saddened and angered by it, by her prejudice. And this is a post-war cosmopolitan London that we're talking about. And in this time, he had hoped that there'll be more enlightenment because it's after war, Second World War. And he takes up a teaching job, and at the school, the reactions of other people around him, the students, is also the same. And he kind of starts building a relationship with his students. He shames them. He is angry at them. He's mad at them, but he also enlightens them. And I'm hoping towards the end of this book, he will eventually come to love them, and so they will. But the story is essentially about a teacher who manages to turn this hatred into something that people do not understand and still follow blindly, into love. And teenage rebelliousness into self-respect, and how we as individuals, how to deal with something that's innately taught to you in school, but when you get out into the society, you realize that's false. How do you deal with that? How do you transform something, a negative, an energy so negative into something that's positive? So I'm really excited about this book. It's also very short, so I'm pretty Nice, nice, certain nice. it'll be an easy, like 200 pages long. So for And the it's also people like very, me, I'm already sold. It's a short book and it's about, कुछ हुआ है अभी 30 40 साल पहले इस बुक के साथ में, तो आई थिंक काफी ज्यादा मजा आएगा. इट्स लाइक इट्स एज वानी टोल्ड मी, आई थिंक इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड I bought this book primarily because of its cover. This is from the film To Sir With Love, which I think came out sometime in the Oh, 1970s or so 60s. this picture is from Yeah, this it's from frame is the from the film. movie. This book was adapted into a film. And I loved the cover. I did not read anything else. So I loved the cover. I read the last page. I read some bits in a random page that opened, and I really liked it. I came back home and I decided, ki chalo, theek hai, this is an option for next book a month. I checked the Goodreads and I was like, oh, this is actually a great book. It's like 4.2 on Goodreads. And I was like, oh, nice. And then I read a couple of reviews and I was like, okay, this is a book we can consider. I was very disappointed initially that nobody is voting on flights. I wanted to post a story like, guys, vote for flights. But then it was Is really, that really the great. book that sort of lost Yeah. flights? Flights. It's by this woman called Olga. I don't know how to pronounce the second name. She's Polish. And the book won the Man Booker International Prize for Literature in 2018, I think, or maybe 17, 19, I don't know. But that's also an amazing book. Us book ke saath bhi ye kar sakta, beech mein kahin bhi ghus jao aur padh sakta. So it's not a, you won't have to read it cover to cover. But This is this is a the book great for book. the next month. If any mods are watching, you may. If Saurabh, you're watching, please post the link in the description and everything. But yeah, Yes. I was really disappointed when people said no to flights, but it's okay. There were quite a few votes for flights as well, like close to 150, I think. But this Oh. one, but this book won by a margin. But yeah. So this is what we're going to pick up in the month of August, and I'm really excited about this because we're picking up a proper fiction after a long time. It's an autobiographical Nice, nice. novel in a way, not an autobiography. So it's kind of becomes historical fiction as well if you want to cheat and if you want, yeah. पढ़ के मजा आएगा, पढ़ But के देखते हैं. बहुत कुछ yeah. प्रॉमिसेस हो गए आज बुक से, बहुत मजा आने वाला है. आई होप ऑल ऑफ यू ज्वाइन अस फॉर द नेक्स्ट बुक अ मंथ विद दिस बुक I एंड had bought this in the month of Feb, by the way. Just like, yeah. And I'm finally picking it up, but yeah, cool. Nice. I think racism That's पे the book that I read was nice. To Kill a Mockingbird. I think that was my first ever थोड़ा सा वो वाला सब्जेक्ट उठा करके.
एंड आई मुझे पता था ऑब्वियसली पहले से भी था कि हाँ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन, बट वो एक फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत बड़ी चीज थी. I have another recommendation if you want to explore more racism. It's called The Help. It's also a movie, but The Help is such a brilliant. I don't have a tangible copy. Like I read the book from library. I borrowed it I from the think this library is and a I read movie from. too. Yes, it's also a movie. It's Yeah. amazing. It's also about, in a lot of ways, it's about racism. It's also about sexism. And Oh. it's basically set up in a society of women. Like men are not heavily involved. It's about a woman who's trying to find her own voice. She's white, but she's struggling in the man's world. And in a world of women where nobody supports each other because all of them are like homemakers essentially. And this woman is a career like oriented woman. She wants to make her own mark at a time when nobody does it, at a time when everyone she knows, all of her friends are getting married and having babies. And about this help she's had, like helpers hote hain aapke ghar pe, who's black and she's trying to fight back. That's like the African struggle, like essentially has been amazing that way. There are so many people who've come out, not African, like I'm so like, because I just realized a few more, like, but the racism struggle in general is so inspiring, like especially the literature that has come out of it. It's amazing. But yeah, I just feel like I was so excited and I just let it all out because, so guys, do pick up to Sir. Can you see the Yes, we can. At least I it's can. called To Serve With Love, and yeah, do pick it up. It's I think we have amazing. the comment section में भी एक लिंक आ गया है, so you can get the book from there. Yep. It's the right link. I was really scared they'll pick up the wrong link because there was another link where the book was for $4,000 or something. Oh, Yeah, oh. there's a copy that exists that is like very expensive, fairly expensive. Because of the cover? I have no idea why. I What think so. you can do is वो कीपा वाली चीज वो 4,000 वाली बुक पे आप लगा के देख सकते हो दैट हाउ लो हैज दैट बुक बिन सोल्ड. तो Yeah. हाँ यू कैन ट्राई दैट. Yep. I haven't bought the book, so I wouldn't even feel bad. But yeah, What's that's next now? that. Next, like, we'll go off to bed and read the chapter. This, like, read To Serve With Love for 15 minutes, you go to bed or something. I don't know. But let us know if you'd like us to do more. Are you actually interested in reading this book? Like, Tayyab, what do you think? Dude, I am so much interested in this book, but as I said, I love I his have to finish expressions this here. first. Oh my Yeah. God. It's just nice. I Kind think of books like these give you hope. it's like we are sort of trying to read a book in a month, right? But then certain people complete certain books at their own pace. So I think maybe I'm just putting it out in the air. Maybe साल के एंड होते होते मेबी वी कैन डिस्कस आवर फेवरेट बुक्स फ्रॉम द 12 Yeah. बुक्स दैट वर रिकमेंडेड, सो दैट इवन इफ यू डिड नॉट रीड ऑल ऑफ द 12 बुक्स व्हाट एवर यू डिड रीड और यू डिड लाइक आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट And आई एम ऑल्सो maybe. टॉकिंग टू द व्यूअर्स. आप भी हमारे साथ आ सकते हैं स्ट्रीम पे सो दैट वी Yeah. कैन डिस्कस आवर फेवरेट बुक्स, बिकॉज रियलिस्टिकली 12 बुक्स शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बट आई होप ऑल ऑफ यू डू But if you गेट think दोज 12 about it, like बुक्स. if you read one book a month, you would have finished like 12 books. That's like पहले बड़ा बहुत And जानने में we're मुझे like, बहुत I'm अच्छा लगा so था, happy लेकिन इतना we've बुरा लग read रहा है कि आई seven डिड नॉट. books together. Like all the people who took part in like this from the beginning, we read seven books together, and that's नाइस नाइस so nice. कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा काम किया आपने. Yeah, maybe for the month of December, it can be like read whatever you want to. It's हाँ holiday फिनिश अप season. व्हाट एवर इज पेंडिंग, व्हाई नॉट. या Yeah. It's just I kind of like get overwhelmed at the end of each month because I'm like, hey, seven books together, which is nice. It's nice. But yeah, I'm particularly excited to read this book. I It's am too. also
जिनको अभी से ये बुक पढ़ने का मन है, मैं उनको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आप ई बुक्स पढ़ते हैं तो आपको भी अब भी डिलीवरी मिल सकती है इसकी। यू डोंट हैव टू लाइक ऑर्डर इट एंड देन इट कम्स टू योर वे। आप ऑनलाइन बुक का, सॉरी ई बुक का फायदा ही यही है कि इट्स लाइक इंस्टेंट डिलीवरी। यू कैन गो देयर, यू कैन यूज दैट। So it's about class racism and education system of Britain. But yes, I am afraid of asking people if they like the choice for the month of August, but I hope a lot of people will join us. Hey, Manjeet has said I've already completed 14 books, 7 are from a book a month. क्या बात है मंजीत भाई, टॉप कर दिया तुमने तो। 14 किताबें, Nice, and like 7 of them are from like Chalchitra Talks. It's nice. This is so good. बढ़िया बढ़िया। I hope मंजीत भाई comes on the stream and discusses about the other 7 books. He was on the stream this morning. He was? Oh. Yeah, the only bad thing was उनका internet wasn't nice. Oh. So every time he said something, yeah. ठीक है। सोमवंशी भाई ने ऑर्डर कर दी है किताब। आई होप यू लव द बुक एंड यू एंजॉय रीडिंग। थैंक यू सो मच देवव्रत, 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 सॉरी, इट्स फाइन। बट या आई होप यू गाइस लाइक द स्ट्रीम। 60 पीपल आर स्टिल वाचिंग अस एंड दिस इज नाइस गाइस। I'm मजा so आया भाई, काफी glad मजा आया। like to see that you're back. I am also us glad bhav. to be here. Yeah, I was I'm missing so this. glad that you're giving us bhav again. नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाव। I'm just kidding. I'm just kidding. अच्छा फिर तो ध्यान देना पड़ेगा। Yeah, of course I was kidding, but I'm so glad like we could do this, especially Feynman, because I had picked up Feynman partly because of you. Because I had ordered Thank you. Feynman, but I wasn't like sure if I should pick this up. And then Tayyab said, "Why don't you pick up Feynman for like a book a month?" And I was like, I did suggest that one day. And then yeah. I was like, "Yeah, okay." And then I was like, "Yeah, I'm planning to." And I was like, "Yeah, I think us time pe maine aise kaha tha ki, yeah, I don't know." But then in my head, I was already planning to do something similar. And I'm like, "Yeah, I'm so glad we could do this." Thank you so much. और आप लोग अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखें चित्र के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, सो दैट वी रीच मोर पीपल। या यप, सो वील टेक योर लीव गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड या व्हाट एल्स। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सैटरडे पे मिलेंगे एंड डेफिनेटली कुछ तो या साइंस डिस्कस डू करेंगे। जॉइन अस नेक्स्ट। व्हाट आर यू या प्लानिंग टू डू तैयब इन द सैटरडे स्ट्रीम? आई थिंक द फर्स्ट thing that we should do is जो हमारा बचा हुआ video वाला part है वो it's like yeah. long due, वो कुछ भी करके अब अगली बार complete करना ही करना है, so that we can move on to something else. Maybe we can move on to this. I want to talk about this next stream. What is this? This is just yeah. Someone has actually asked which galaxy is the Tayyabin? Is that so Andromeda? This is not a galaxy. This काफी खूबसूरत सी चीज होती है. This is a nebula. Is this like stars? Yeah, I was going to say nebula. और it's like जैसे हमारे constellations को हमने नाम दिए हैं based on how they look like. तो ये nebula से भी बहुत नाम है. तो I think this is probably called the horse nebula because यहाँ पे आप देखोगे तो there is some angle जहाँ पे you see a horse and like horse जिसके दोनों हाथ if you try to imagine that उसके दोनों हाथ भी ऊपर हैं. It's like it's on his hind legs. तो ये बड़ा फेमस नेबुला है और ऐसे बहुत सारे नेबुलाज होते हैं, तो हम मे भी उसके बारे में बात कर पाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना है कि ये होता क्या है और बाकी प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के अंदर ये कहाँ बैठते हैं, तो इट्स लाइक एवरी पॉइंट दैट यू सी इज 99% अ गैलेक्सी। तो एक नेबुला इतना बड़ा होता है, तो यू हैव टू आपको स्केल समझ में आ रही होगी। इट्स लाइक गैलेक्सीज आर लाइक अ पॉइंट इसके सामने, और साइंटिफिकली दिस इज जस्ट अ गैस क्लाउड जो या तो कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है या फिर बिग बैंग के रिमेनिंग जो गैसेस हैं उससे बना हुआ है। तो दिस इज लाइक एक तरीके से जैसे साइंस की भाषा में इसको एक मोहल्ला बोल सकते हो। दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स बिलोंग टुगेदर, दैट्स इट। तो या मे बी और आगे डिस्कस करेंगे और बेहतरीन खूबसूरत नेबुलास की फोटोज वगैरह हम चेकआउट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर। तो प्लीज नेक्स्ट सैटरडे
tune in. to join us. Yep. So thank you guys for staying in, and do like the stream. The more you like the stream, it pushes our videos further and it pushes this channel also further. So if you want us to grow, do like the stream, share it with your friends, get people to subscribe it. And you can also contribute to us on Patreon or become a member of our YouTube community. If you like our work, if you like the recommendations we bring to you. And I am very excited about the book for next month. Please try and read this ebook, copy, Audible, or whatever you can find. It'll be nice, like reading 12 books together. Amazing feeling. But yeah, let's do so. And thank you, Taya, for joining us. And we'll see you. Taya will see you soon, no? I hope. I don't know. But yeah, let's thank you so much, Taya, for joining. And thank you guys for tuning in as well. I hope you'll pick up the book. And the quiz is happening on Tuesday, by the way, so stay tuned for that as well. And I am going to end the stream now. Yeah. Quiz has started. Good night. Of season 2. Bye. Bye-bye. Okay.